अम्मी। हाँ बोलो। अम्मी मेरे निकाह का कुछ करो ना। अरे तेरा निकाह तो ना मैं आज ही करा दूँ, पर कोई लड़की तो मिले। मुझे भी बुरा लगता है कि छोटे भाई की शादी हो गई और बड़ा भाई आज भी कुंवारा है, पर क्या करूँ। लेकिन लोग लूले लंगड़े को भी लड़की देने को तैयार है, पर अंधे को नहीं। तो मुझ जैसे कोई अंधे ही देख लो। देख हैदर, अगर तेरे नसीब में अल्लाह ने लड़की लिखी है ना, तो तेरा निकाह जरूर होगा। अब तू कहाँ जा रहा है? मस्जिद हो आऊं, नमाज पढ़ाऊं। मैं तो अंधा हूं, पर उसकी तो आंखें हैं। हो सकता है इस बार उसकी नजर मुझ पे पड़ जाए। खाला, खाला, खाला कोई मिली क्या? उम्र दराज कोई बेवा होगी तो वो भी चलेगी खाला? देख हैदर, एक बात बोलती हूँ, यू दिल छोटा मत कर। अल्लाह ने तुझे बनाया है तो तेरा जोड़ा भी बनाया होगा। बस अपने वक्त का इंतजार कर। कपड़े पे इस्त्री नहीं है, कब तक करूं मैं तेरा इंतजार? हाँ कब तक करूं? हर रोज का तरह यही रहूंगा, कभी कपड़े इस्त्री नहीं है तो कभी खाना तैयार नहीं है, कभी लंच तैयार कर रही हूं तो कभी टिफिन तैयार कर रही हूं। तुम्हारी वजह से हर रोज मैं दुकान पर लेट पहुंचता हूं, 12 बजे के बाद दुकान पर पहुंचता हूं मैं। सुन रही है मेरी बात? क्या करूं मैं, खुद तुम 10 बजे के बाद उठते हो, लेट तो तुम्हें होगा ही ना, और मैं मेरा सारा काम टाइम पे खत्म करती हूं, समझो तुम? सवाल लड़ाती है तू? तुम मेरे से ज़बान लड़ाती है? इधर तू मेरे से ज़बान लड़ाती है? हाँ मेरे से ज़बान लड़ाती है तू? यही सिखाया तेरी अम्मी अब्बा ने? जाकिर, मेरी अम्मी अब्बू का नाम मत लेना, ठीक है? बीच में लाऊंगा, तेरी अम्मी अब्बा को बीच में लेके आऊंगा। क्या करेगी तू? हाँ क्या करेगी तू? मारेगी मुझे? हाँ मारेगी या छोड़ के जाएगी? छोड़ना, छोड़ मुझे। अरे तू क्या छोड़ेगी मुझे, मैं छोड़ता हूँ तुझे, आजाद करता हूँ तेरे को, देता हूं तुझे तलाक, तलाक, तलाक। जाकिर हो गया पूरा? जल्दी करो, आज ही देनी है। तलाक, तलाक, तलाक। अम्मी, तलाक नामे के लिए आए हैं। अम्मी वो गलती हो गई, दरअसल वो गुस्से से हमारे मुंह से निकल गया। हम जन्नत को तलाक नहीं देना चाहते। तुमने 3 बार तलाक बोला था जन्नत को? हाँ। फिर हो गया तलाक? अब फिर से निकाह करना है तो निकाह हलाला करवाना पड़ेगा। निकाह हलाला?
आजकल 3 तलाक नहीं चलता है, ये कानूनन अपराध है। कानून क्या होता है? काफिरों का बनाया कानून? हदीस से बड़ा कब से हो गया? इस्लाम में औहदा हदीस का है और तुम लोग काफिरों के बीच रहकर इस्लाम को खत्म कर रहे हो। हदीस में लिखा है 3 तलाक है तो है। इस्लाम में ऐसा कोई कानून नहीं है जो हदीस का विरोध करे। तो हलाला निकाह के लिए राजी हो? मुझे कोई ऐतराज नहीं है। अम्मी तू चुप कर, तूने ऐसा हालात पैदा क्यों किए जो शौहर को गुस्सा आए? तलाक औरत की गलती का नतीजा होता है, इसलिए निकाह हलाला बनाया गया है ताकि गैर मर्द के साथ सोकर औरत को सजा मिल सके, सबक मिले। शौहर की खुशी में ही उसकी खुशी है और इज्जत भी। तो तुम लोगों के नजरों में कोई है हलाला निकाह के लिए? अब भरोसे वाला तो कोई नहीं है, आप ही निकाह हलाला करा दीजिए। अम्मी अम्मी मैं अरे मर गई अम्मी, आ बैठ के रो ले। हाँ देख रहा है ना, इतना बड़ा यहाँ पे मसला सुलझाया जा रहा है और तूने अम्मी अम्मी की रट लगा रखी है। देखो 50,000 लगेंगे निकाह हलाला के लिए, अब घर ले जाके जन्नत को खिलाना पड़ेगा, पिलाना पड़ेगा। अब महंगाई भी तो इतनी बढ़ गई है। इतना बजट नहीं है, थोड़ा हिसाब से कर दीजिए ना काजी जी। 35,000 दे देना। देखो हमारा जो भी काम होता है ना, हम आपके पास ही आते हैं। आप हमारे देखिए परमानेंट काजी हैं। आप 25,000 कर लीजिए। चलो जन्नत के लिए 25,000 ही सही। तुम सब लोग पागल हो गए हो, उस हरामखोर काजी के साथ हलाला निकाह करवाओगे? अरे धंधा बना रखा है उसने हलाला निकाह को, चंद पैसों के लिए किसी भी गंदी औरत से शादी करता है वो। बीमारी है, गंदी बीमारी उसको। उस मोहसिन ने भी हलाला निकाह करवाया था, हो गई ना उसकी भी बीवी को बीमारी। जन्नत घर की बच्ची है, माशाल्लाह इतनी खूबसूरत है, ऐसा क्यों करते हो उसके साथ? उसको बीमारी लगी तो तुझे भी बीमारी लगेगी। जाकिर सोच जरा, कुछ तो सोच। अम्मी इनकार कर दो उस काजी को। काजी नहीं तो फिर कौन? हैदर है ना, मामला घर का घर में ही निपट जाएगा और इसकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं, और पैसे भी बच जाएंगे है ना। मेरा फिक्र करो जन्नत। जाकिर। हाँ अम्मी। टिफिन तैयार है? आया अम्मी। मुझे रात भर नहीं सोने देते।
थे अम्मी, अम्मी मुझे बचा लो, मुझे मार डालेगा अम्मी, मुझे नहीं जाना उधर अम्मी, अम्मी 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 मुझे नहीं जाना अम्मी, अम्मी अम्मी मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना अम्मी, अम्मी 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 नहीं जाना मुझे, अम्मी बचाओ। बस जन्नत नोच डालोगी क्या इधर? हैदर भाई तलाक दीजिए जन्नत को। जाकिर तुझे तो कोई और मिल जाएगी, मुझे दूसरी नहीं मिलेगी ना। नहीं देता, नहीं देता मैं तलाक। हैदर तलाक दे, सुना नहीं? तलाक दे। खाला तुम भी? तेरा निकाह मैंने हलाला के लिए करवाया था, मत भूल। जन्नत तलाक, तलाक, तलाक। तो मेरा बेटा है, परेशान हो तो। खाला अब बिना बीवी के नहीं रहा जाता, खाला कुछ करना, कैसे भी चलेगी, कैसे भी। निकाह तो तू भूल जा बेटा। हाँ हलाला निकाह के लिए मैं बात कर सकती हूँ, लेकिन जो तूने जन्नत के साथ किया ना वो मत करना, वरना ये रास्ता भी बंद हो जाएगा। पराई चीज होती है, देखभाल कर यूज करते हैं, समझा? दर्द हो रहा है इधर, क्यों ऐसा कर रहे हो इधर? तो बोतल दे। नहीं दूंगी बोतल, बोतल दे। इससे ज्यादा दारू पीने लगे हो। बोतल दे, दे बोतल, दे बोतल, दे बोतल। नहीं दूंगी। तू रोकेगी मुझे? हाँ तू मुझे रोकेगी? दे बोतल, दे बोतल, दे बोतल, बोतल दे, बोतल दे, दे बोतल, बोतल दे, दे बोतल, बोतल दे। तू जा रोकेगी? मुझे रोकेगी तू? तो मुझे पीने नहीं देती ना, मैं तुझे देता हूं तलाक, तलाक, तलाक। फिर से शादी करनी है तो फिर से निकाह हलाला करवाना पड़ेगा। अगर तुम लोग मंजूर हो तो हो जाओ तैयार। मैं तैयार हूं। नहीं, चाहे जितने पैसे लगने हैं लगने दो, निकाह हलाला काजी से होगा। सुनो, अब मेरी सुनो, क्या समझ के रखे हो तुम लोग मुझे?
क्या मैं रंडी हूँ? अब तुम लोग फैसला करोगे मुझे किसके बिस्तर गरम करने और किसके नहीं। ए लड़की, क्या बात है? चुप कर। तू चुप कर चमड़ी बास औरत के दलाल। तू जैसे लोग मजहब के आर में हम औरत की चमड़ी चाटते हो। कोई मजहब ने यह नहीं कहा कि उस औरत को लूटो जिस औरत ने तुम्हें इस दुनिया में लाई है, और कोई मजहब में यह नहीं लिखा होता है कि औरत दूसरे दर्जे की होते है और तुम मर्द इसके मालिक। तुम जैसे लोग ना मजहब खतरे में है कि नाम पर ना हमें डराते हो और अपने हिसाब से मजहब को तोड़ते मरोड़ते रहते हो ताकि हम जैसी औरत तुम्हारे हवस की शिकार बने। लेकिन बस अब और नहीं, जितना लूटना था तुम लोगों ने लूट लिया। अरे हमसे अच्छा तो जिंदगी वो पालतू जानवरों की होती है। अगर शादी रहते हुए कोई औरत किसी मर्द के साथ सो जाए तो वो बच्चा लेने हा? और तुम मजहब के नाम पर किसी पराया मर्द के साथ सुलाते हो तो जायज। अरे हमारी जिंदगी तो तुम लोगों ने नरक बना के रख दी। नहीं करनी मुझे निकाह लाला, नहीं करनी। आज मैं इनकार कर रही हूँ, कल दुनिया की हर औरत तुम्हारे मुंह पे इनकार की जूता मारेगी, देख लेना। अपनी ही बीबी को किसी और के बिस्तर गरम करने के लिए मजहब का इस्तेमाल करते हो, देख लेना। तुम लोग जो अल्लाह के नाम पे जो खून चूस रहे हो ना वो ऊपर बैठ के सब देख रहा है। एक एक से अपना हिसाब का बदला लेंगे वो खुद।